फ्रेंड्स आई एम राहुल एंड वेलकम टू द ECLE। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। स्वागत है आपका ECLE के इस चैनल पर। और आज की वीडियो में कुछ खास है, बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की क्लास है। हमने कल लेट पढ़ा था, लेट लेट, और कल की हमने बोला था ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है। कल की लेट की क्लास बेसिक थी, आज की क्लास लेट की क्लास एडवांस क्लास है। और मैं जानता हूँ कि यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यह क्लास कुछ अलग है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेट का एडवांस यूज़। क्या पढ़ेंगे? लेट का एडवांस यूज पढ़ेंगे और कुछ इस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। मैंने पहले से मैंने लिख लिया है, ठीक है, कि लेट का यूज होता है सेकंड बारे में। पहले देख लेते हैं, करने देना। क्या होता है लेट की यूज? क्या होता है? करने देना। ठीक है, सेकंड वाला लेट की यूज कैसे होता है ध्यान रखना। ठीक है, मैंने मिक्स सेंटेंस इसमें बना है, आप हर किसी में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, मॉडल्स में, हर किसी में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि माता पिता शहर में पढ़ाई करने देते हैं, करने देना, करते नहीं है, माता पिता शहर में पढ़ाई करने देते हैं। माता पिता किसे? चलो उसे कर दो, हमें कर दो। ठीक है, माता पिता हमें पढ़ाई करने देते हैं, करने देते हैं। क्या? करने देना, करने देना। ठीक, खुद नहीं करना, खुद को करने देना, मतलब इसको परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसकी परमिशन के लिए? ठीक है, तुमने सचिन को नाचने दिया, तुमने सचिन को क्या करने दिया? नाचने दिया, नाचने दिया, खुद नहीं नाच रहा, क्या करने दिया? नाचने दिया। आ रहा ना समझ में? तुमने सचिन को नाचने दिया। और देखो, वे उसे घर में आने देंगे, वे उसे घर में क्या करने देंगे? आने देंगे, मतलब आने देना, आ नहीं रहा पर आने देना, मतलब उसकी परमिशन देना, मतलब कोई काम को करने देना, करने देना। ठीक है, लोग युवाओं को राजनीति करने दे सकते हैं, लोग युवाओं को राजनीति क्या कर सकते हैं? करने दे सकते हैं। ठीक है, वह तुम्हें घर में रुकने देना चाहती है, वह तुम्हें घर में रुकने देना चाहती है, कि तुम रुको, वह चाहती है। तो किससे बनेगा? इसी से बनेगा। किससे बनेगा? इसी से बनेगा। सरकार को किसान आंदोलन करने देना चाहिए, सरकार को किसान आंदोलन करने देना चाहिए। आए समझ में? आई थिंक आ गया होगा। मैं और एक फेमस डायलॉग है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये भी किससे होगा यूज? ये भी किससे होगा? इसी से होगा, करने देने का सेंस। तो ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे, करने देने का क्या सेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे करने देने का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ये फेमस है ना, मैं देश नहीं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो यही वाला है, भले झुक गया लेकिन इसी से बनेगा सेंटेंस। इंग्लिश में करने देना, मतलब लेट का क्या होगा? लेट का इसमें यूज होगा, उपयोग होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, आज लेट की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। लेट की क्लास के लेट वाली जो एडवांस वाली क्लास है, आपको बहुत ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको इसका सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, तभी ये आपको आ सकता है। मैं ऐसा समझता हूँ, क्या क्या करता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है, तो लेट का सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है पहले, क्या बताया है? कॉन्सेप्ट डबल वर्ब वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? डबल वर्ब। कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको? डबल वर्ब, मतलब सेंटेंस में अगर डबल वर्ब हो तो हमें क्या करनी चाहिए। जैसे कि आपकी वर्ब वन है और वर्ब टू है, तो पहले कौन आएगा?
तो हमेशा से वर्ब ए का पहला आता है। तो इस कॉन्सेप्ट कैसे बताया था, जैसे कि मैं कल घूमने जाऊंगा, एक सेंटेंस बनाते हैं हम सिंपल वाला, मैं कल घूमने जाऊंगा, ठीक है। मैं कल कहाँ जाऊंगा, घूमने जाऊंगा। तो घूमने पहले क्या करेगा, वो जाएगा फिर वो घूमेगा। जैसे कि मैं कल भोपाल घूमने जाऊंगा, तो पहले मैं कहाँ जाऊंगा, भोपाल जाऊंगा। कल मैं भोपाल लिख दूँ, कल मैं भोपाल घूमने जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखो वर्ब फर्स्ट, पहले क्या जाएगा ना, फिर घूमेगा। पहले क्या करेगा, जाएगा, और फिर क्या करेगा, वह घूमेगा। मैं कल भोपाल घूमने जाऊंगा, मतलब ये क्या है, जाना, मतलब ये वर्ब बन है, वर्ब बन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं समझ रहा, ये वर्ब बन है। घूमने जाना क्या है, वर्ब टू है। हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैंने बताया है, आई शैल, पहले क्या हो रहा है, जाने का सेंस हो रहा, मतलब वर्ब पहले आएगी, ठीक है। आई शैल गो, फिर क्या होगा, घूमेगा, विजिट भोपाल, आई शैल गो विजिट भोपाल, ऐसे ही है ना। वर्ब वन का और वर्ब सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये फॉर्मूला है, आप इस प्रकार करते हैं, तो ये आपकी क्या होगा, ये वर्ब वन होगा। मैंने बताया है, कई बार बताया है, ये वर्ब वन और वर्ब टू, मतलब सीधा है, पहले आओ और पहले पाओ। तो इसमें क्या है, इस वाले सेंटेंस में इसमें डबल वर्ब हो रही है, इसमें डबल वर्ब का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी है और ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, आई होप आपको इसका इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, अगर इसको अपनी कॉपी में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, इट इज वेरी इजीली, लेकिन पहले देखना है फिर लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, डबल वर्ब का मैंने कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि डबल वर्ब का हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में क्या हुआ, जो आपका लेट है मेरे दोस्तों, ये लेट है, लेट क्या है, ये लेट है, ये वर्ब है, करने देना। तो लेट के फॉर्म जरूर याद रखना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जब हम लेट की वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं, तो इसमें इसकी एक ही एक होता है, लेट लेट लेट, सेम वर्ब है। लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लेट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इसमें लेट है। आ रहा ना समझ, आई थिंक आपको आ रहा होगा। तो इस सेंटेंस में जो यूज़ होगा, इसमें स्ट्रक्चर में जो यूज़ होगा, वो आपका क्या होगा, वो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब लेट आपकी फर्स्ट वर्ब रहेगी। लेट क्या रहेगी, आपकी फर्स्ट वर्ब रहेगी, बाकी फिर आपकी अदर वर्ब रहेगी, ठीक है। तो फिर हम स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। अरे समझ रहे ना, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा जब क्लास में, तो नेक्स्ट में इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम कल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कल का स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। कल का क्या स्ट्रक्चर, तो कल की अगर क्लास ना देखी हो तो आप क्लास देखो, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा आइकॉन में। तो कल की क्लास की क्या था, लेट यही थे ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, यही था ना सेंट आपका बस यही है, यही था ना। ऐसे चलो खाना खाया है, ऐसे ही था ना, उसे पानी दे दो खा दो, ठीक है, यही था ना। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, जो बेसिक प्रकार के हम सेंटेंस बनाते हैं। अब इसका जो आपका एडवांस स्ट्रक्चर होगा, और सेंटेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार, मॉडल्स के अनुसार होगा, वो अलग होगा। तो जो हम इसमें लेट का ये वर्ब नहीं जुड़ रहे थे, अब यहाँ सेकंड वर्ब यूज हो गए बी टू, और ये वर्ब फर्स्ट हो जाएगी, इसमें इतना है। और आगे क्या सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लूँ थोड़ा सा, एक मिनट, सब्जेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, एच भी लिख दे रहा हूँ, या पर मॉडल भी आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब एच बी प्लस मॉडल, मॉडल कैन कुड बी शुड शुड कैन कुड शुड, ये है ना मॉडल्स। तो क्या, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, फिर या तो आपकी अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, या फिर आपकी मॉडल्स आएगी, क्या आएगी, आपकी मॉडल्स आएगी, प्लस आपका
लेट होगा, ये जो आपकी वर्ब फर्स्ट कहलाते हैं, ठीक है। और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस आपकी नेक्स्ट वर्ब आ सकती है या बी टू कर दो, ठीक है, और ओ डब्ल्यू। तो बी टू मतलब ऐसा बी टू, ठीक है। तो क्या है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, एक स्ट्रक्चर बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट वर्ब, मतलब वर्ब जो सेकंड वर्ब है, जो मतलब दूसरे नंबर की जो क्रिया होगी, एक्शन होगी, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड भी आ सकते हैं। तो बस इतना ही है स्ट्रक्चर इसका। ऐसे इसका नेगेटिव बन जाएगा, ऐसे इसका इंटरगेटिव बन जाएगा, ऐसे इसके क्या चार प्रकार के, मतलब सॉरी हम छह प्रकार के ऐसे हम सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। तो आए समझ में, आ गया, आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल प्लस उसके बाद नॉट लगाते हैं और प्लस डेड लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब बी टू प्लस अदर वर्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक सेंसर होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 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 कैसे यूज होगा, तो जो आपकी प्रोनाउन है या किसी के नाम है मैं यूज होगा, इसमें क्या होगा, इसमें यूज होगा, इसका उपयोग होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, हमें इस प्रकार सेंटेंस बनाना। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आपको इस वीडियो को एक बार फिर से देखनी है। आप जब वीडियो देख रहे होगे इसको एक बार फिर से देखना, फिर से समझना, ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस है। मैंने पता नहीं इस, मैंने सोचा कि चलो इसका एलर्ट का एडवांस भी मैं करा दूँ, इसमें कोई बड़ो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार की भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, तो मॉडल्स जैसे इसमें कुछ अलग यूज़ होगा, कुछ में मॉडल होगा, कुछ में कुछ होगा, कुछ में कुछ होगी, आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपकी जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आई थिंक वो आपको क्लियर होगी। तो आपके टेंस मॉडल्स जो मैंने बाकी सब पढ़ाए हैं, अगर वो आपका अगर बाकी आपका क्लियर होगा स्ट्रक्चर, तो आप इसके सेंटेंस जरूर से जरूर बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस यही है, और लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी टू, बाकी तो ये हमने इतना अगर हटा दो ना इतना, तो यही है मॉडल्स बस यूज़ करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स आ जाएगी, बाकी वही है, बाकी क्या है, वही के वही है। जैसे मैं कि एक सेंटेंस बना के बताऊँ आपको, ये क्या है, माता पिता शहर में पढ़ाई करने देते हैं, माता पिता क्या करने देते हैं, शहर में पढ़ाई करने देते हैं। ऐसे आपको छः स्ट्रक्चर बनाने हैं, ऐसे आपको छः स्ट्रक्चर बनाने हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ना बना पाओ तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसकी एक वीडियो ओनली ओन छः स्ट्रक्चर पर लेकर आऊँगा। लेकिन आपको अगर ना आए तो जरूर से जरूर करना, इस वीडियो को देख रहा हो अगर आप सीरियस हो तो कमेंट जरूर करना कि आई वॉन्ट टू हैव स्ट्रक्चर्स, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर बताऊँगा, ठीक है। तो उसको दोबारा देखना कि थोड़ा सा टिपिकल है, माता पिता शहर में मुझे हमें पढ़ाई करने देते हैं। तो क्या है, माता पिता बना ले यहाँ पर, माता पिता हमें करने देते हैं ना, हमें माता पिता हमें शहर में पढ़ाई करने देते हैं, पढ़ाई करने देते हैं, माता पिता हमें शहर में क्या करने देते हैं, पढ़ाई करने देते हैं। तो माता पिता क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स क्या करने दे रहे हैं, पढ़ाई करने दे रहे हैं। तो पहले तो हमें सेंटेंस पता है इंडेफिनेट का है, किसका है, इंडेफिनेट का। तो आ जाएगा क्या, लेट। अब किसे करने देते हैं, हमें करने देते हैं, हमें का मतलब क्या होता है, बी, और उसका प्रोनाउन, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस। पेरेंट्स लेट अस स्टडी इन सिटी, ऐसा बनेगा। आए समझ में, माता पिता हमें शहर में पढ़ाई करने देते हैं, पेरेंट्स लेट अस स्टडी इन सिटी, शहर में पढ़ाई करने देते, ऐसे आप बना सकते हो। इसका अगर नेगेटिव बनाए तो इट इज़ वेरी इजी, माता पिता हमें
माता पिता हमें शहर में पढ़ाई नहीं करने देते हैं। ठीक है, हाँ लगा दो तो क्या आएगा, बनाओ। वैसे बनेगा, कैसे बनेगा, सदियों से बनाते हैं। पेरेंट्स इंडेफिनेट में है तो नेगेटिव में क्या लगते हैं, इंडेफिनेट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज लगता है, ये प्लुरल। तो पेरेंट्स डू नॉट लेट अस स्टडी इन सिटी। ऐसे इसका हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इंटरोगेटिव, क्या बना लेते हैं, इंटरोगेटिव, क्या बना लेते हैं, इंटरोगेटिव। तो क्या माता पिता हमें शहर में पढ़ाई करने देते हैं, शहर में पढ़ाई करने देते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से तो सब कुछ है। क्या आएगा, डू पेरेंट्स स्टडी, डू पेरेंट्स सॉरी लेट अस स्टडी इन सिटी। ठीक है, अब इसका क्या बना सकते हैं, हम फोर्थ बारा बना सकते हैं, क्या माता पिता, ये काम नहीं कर रहा है, एक मिनट रखना। ठीक है, इससे बनाते हैं, क्लास छोड़ कर यार, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या माता पिता हमें शहर में पढ़ाई करने देते हैं। ये आपकी एडवांस क्लास हो गई। ठीक है, क्या आएगा, डू पेरेंट्स नॉट, आई थिंक आप तो अब बना लोगे, लेट अस स्टडी इन सिटी। माता पिता हमें शहर में पढ़ाई क्यों करने देते हैं, तो बना सकते हैं, यहाँ वाई लगा दो, वाई पेरेंट्स लेट अस स्टडी इन सिटी। क्या माता पिता हमें शहर में पढ़ाई नहीं करने देते हैं, यहाँ वही है क्या, वाई डू पेरेंट्स नॉट लेट अस स्टडी इन सिटी। तो ऐसे बना सकते हैं ना आप आसानी से, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। तो बस क्या है, आपके जो टेंस है, जो मैंने आपको बताया है, जो सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ाया है ना, वांट पढ़ाया है ना, वांटेड पढ़ाया, वुड लाइक टू पढ़ाया, कैन पढ़ाया, शुड पढ़ाया, मस्ट पढ़ाया, उसके तीन फॉर्म भी पढ़ाए। तो अगर आपके बोवर स्ट्रक्चर आप क्लियर हैं तो आप आसानी के साथ साधारण तरीके से आप इनको बना सकते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बस सेंटेंसेस को आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तो आपको इतना करना पड़ेगा। जब आप इतना कर लोगे तो आप आसानी के साथ आप इस प्रकार के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। आए समझे, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर सब क्लास समझ में नहीं आ रही हो, एक बार फिर से देख लो, रिपीट कर लो, उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हो। सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जो एडवांस होता, एडवांटेज होता है ऑनलाइन क्लास का, कि मैं अगर एक बार बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तब क्लास का रिपीट कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास में आपका टीचर से एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे बता देगा, तीस बार बोलोगे हो सकता है बता देगा, चौथी बार वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो कहेगा भैया आप समझ लेना, आपको समझ लें। लेकिन आपको अगर जितनी बार समझ ना आए, आप तो जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आप देख सकते हो बैक। तो समझ में ना आए फिर से देखो, आई होप आपके बनेगा। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट सेंस में बनाया है। अब देखो पास्ट में कैसे बनाएंगे, एक तो आज पहली बार मैं सब बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं सब पढ़ा चुका हूँ, मैं अच्छी प्रैक्टिस करा चुका हूँ रगड़ कर धमाकेदार से, इसलिए मैंने एक ही बार में एक एग्जाम्पल की सेंटेंस ले ली है। ठीक है, अगर आप चाहते हो लेट की लेट्स और चले, तो प्रेजेंट ही बताएं, पास्ट ही बताएं, फ्यूचर ही बताएं, इंडेफिनेट बताएं, तो आपको कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा फिर मैं। ठीक है, तो क्या है,
तुमने सचिन को नाचने नहीं दिया, किसका सेंटेंस है बताओ, बताओ किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है ना। तुमने सचिन को क्या नहीं करने दिया, नाचने नहीं दिया, मतलब किसने, यू डिड नॉट लेट डांस ऑफ सचिन, हो गया जाएगा ये, सॉरी नाचने दिया, मैंने नेगेटिव लगा दिया, तो कैसे बनाएंगे, तुमने सचिन को नाचने दिया, मतलब यू क्या आएगा, यू लेट सचिन डांस, सेकंड फॉर्म लेट का लेट ही, यू लेट सचिन डांस। बे घर में आने देंगे, बे उसे घर में आने देंगे, मतलब को बे, तो क्या आएगा, दे विल क्या आने देंगे, दे विल लेट हिम कम इन होम, बना सकते हैं आसानी से, बना सकते हैं, छह प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लोग युवाओं को राजनीति करने दे सकते हैं, किसको, युवाओं को, तो कौन करने देते हैं, कर दे सकते हैं लोग, तो पीपल कैन लेट यंगस्टर डू पॉलिटिक्स, बना सकते हैं। सरकार को किसान आंदोलन करने देना चाहिए, बना सकते हैं, किसको करने देना चाहिए, सरकार को करने देना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट शुड लेट किसको, किसानों को, ऑब्जेक्ट है किसान आंदोलन, तो फार्मर प्रोटेस्ट बना सकते हैं, कर सकते हैं ना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ तो बिक गया, LIC बिक गया, पूरा देश तो बेच दिया, तो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, फेमस ना रहा है प्रधानमंत्री जी का, तो क्या बनाएंगे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बोला I shall not let country sell, ऐसे आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आपको 6 सेंटेंस बनाने, हर के 6 स्ट्रक्चर बना लो, आपको अगर अब भी समझ ना आ रहा हो, क्लास रिपीट करो, कमेंट करो कि यस आई वॉन्ट टू हैव, मैं क्लास में सबके स्ट्रक्चर चाहता हूं, तो मैं आपको आपके जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या एक वीक लग जाएगा नेक्स्ट मंडे, लेकिन आपका 100% लेट आपका क्लियर हो जाएगा। आप अगर एक बार सेंटेंस बना लोगे ना, अगर एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप कभी नहीं भूलोगे, यू विल नेवर फॉरगेट। तो यह किसकी, आपके लिए, ये कैसी पढ़ा दी मैंने क्लास, जैसे वो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, सब कुछ एक बार में, सब कुछ मैंने भी आज ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या अगर आप चाहते हो तो मैं कराऊंगा, और क्यों कराया, क्योंकि मैंने पहले सब कुछ पढ़ा लिखा है, सब कुछ पढ़ा दिया, तो आपके स्ट्रक्चर बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जाओ अगर नहीं कर रहा फिर से देखो, तो यू कैन डू एनीथिंग। ओके, तो आज की एक क्लास थी, आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, समझ में आया तो ही बताएं, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम का ECLE चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करो, लिंक है, मैं लाइव आता हूँ तो हमेशा उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पड़े रहती है, ठीक है। तो आज की क्लास थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसके सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें, सेंटेंस बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, जितना सोचोगे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, सेंटेंस बनाओ, कम से कम आप, मैंने अगर आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़े से बताइए, तो कोशिश करो कि 10 से 12 सेंटेंस हम सोच कर बना सकें, इसके 1 से 6 सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, 1 सेंटेंस बस क्लियर हो जाए, पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।